वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, परसों भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स कराई थी, आज फिर आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, तो समझिए कैसे करेंगे इनको। ये सब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके। देखिएगा, क्वेश्चन आपका, ए मेटल विच एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर वन, इन्होंने कहा कि मेटल है, ए मेटल विच इज एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर लिक्विड ही एग्जिस्ट करती है। इज ऑब्टेन, प्राप्त की जाती है बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर, हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर, जब उसके सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अब आपसे कहते हैं, नेम द मेटल एंड राइट द केमिकल सिंबल। ए पॉइंट आपका, नेम द मेटल एंड राइट इट्स सिंबल, पहली बात। दूसरा क्या कहा बेटा उन्होंने, दूसरा उन्होंने बोला है, इसका बी पार्ट में, बी पार्ट है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ओर, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ओर। सी पार्ट क्या पूछा जी, वो कहते हैं गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ मेटल फ्रॉम From its sulfide ore, कहां से, from its sulfide ore, D part, name a common device in which this metal is used, name a common device in which this metal is used, can this metal displace copper from its sulfide from its sulfate solution, ठीक है बेटा। तो समझिए क्वेश्चंस क्या है आपका,
ये आपसे कहते हैं कि एक मेटल हमारी जो क्या है, जो हमारी आपका जो मेटल विच इज एग्जिस्ट एज लिक्विड, एक मेटल हमारी जो एग्जिस्ट करती है लिक्विड के रूप में एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, इज ऑप्टेन बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर, और प्राप्त की जाती है बाय हीटिंग सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में गर्म करने पर। नेम द मेटल, राइट इट्स सिंबल, उस मेटल का नाम बताओ, उसका सिंबल बताओ, राइट एंड नेम द फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ओर, इसके सल्फाइड ओर का फॉर्मूला लिखिएगा, गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसकी जो आपका इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन की वो दीजिएगा, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, जिसमें हम इस मेटल को इसके सल्फाइड ओर से प्राप्त कर रहे हो, नेम ए कॉमन डिवाइस, आप उस कॉमन डिवाइस को बताइए जिसमें मेटल हमारी यूज की जाती है, कैन दिस मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको बताया था, मेटल में केवल एक ही मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, हमें वहीं से पता चल जाता है, वो क्या हमारा मरकरी, तो ए मेटल क्या हमारी मरकरी, और इसका सिंबल क्या है HG, बी उन्होंने कहा राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर का HGS जिसको बोलते हैं सिनाबार, इसके ओर का नाम है। देखिए क्वेश्चन बड़े होते हैं, आंसर बड़े छोटे होते हैं, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट सल्फाइड ओर, तो क्या बताता है, जब मैंने आपको बताया था रोस्टिंग, दो रिएक्शन बताई थी, कैल्सिनेशन दूसरा रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या होता है, जब हम HGS की रिएक्शन कराते हैं बेटा SO2 के आपका ऑक्सीजन के साथ, तो जैसे क्या होता है हमारा हीट करेंगे, ये बनाएगा मरकरी प्लस आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये इसकी रिएक्शन जो हमारी इन्वॉल्व है। उसके बाद उन्होंने पूछा है नेम ए कॉमन डिवाइस इन विच इट इज यूज, डी सुना होगा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ई इन्होंने पूछा है कैन दिस मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन, नो बिकॉज क्यों नहीं हटा सकती, बिकॉज मरकरी इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट बी डिस्प्लेस बाय फ्रॉम कॉपर सल्फेट, इसलिए हम कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब मरकरी के द्वारा कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये समझिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए मेटल विच इज एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नेम द मेटल एंड राइट इट्स सिंबल, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ओर, गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, नेम ए कॉमन डिवाइस इन विच दिस मेटल इज यूज्ड, कैन दिस मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो अब ये ध्यान रखना है कि पैटर्न हो गया, अब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा, रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा, उसके बाद आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ए ग्रैनुल्स ऑफ रस्टिंग ब्राउन सॉलिड ए आर मिक्स द पाउडर ऑफ अनदर एलिमेंट सॉलिड बी, व्हेन मिक्सचर इज हीटेड रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन इट्स कंपोनेंट, वन ऑफ द प्रोडक्ट सी इज अ मेटल एंड सेटल डाउन इन द मोल्टन स्टेट व्हाइल द अदर प्रोडक्ट फ्लो डी वाज ऑब्जर्व दैट रिएक्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक, तो आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि आपका क्या
क्या है आपका, ये कंपाउंड आपको बताना पड़ेगा। तो देखिएगा फिर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इन्होंने बोला है नो केमिकल रिएक्शन मीन्स नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन व्हेन ग्रेनुअल्स When granules of a rusty brown, rusty brown solid A is mixed with, किसके साथ mix करते हैं, mixed with powder B, mix with powder of another solid B. However, when the mixture is heated, a reaction take place between its component one of the products C is metal, one of the product C is metal, and settle down in the molten state, pigli avastha mein, in the molten state while other product D floats over it. It was observed that the reaction is highly exothermic. ये observe किया गया, that reaction is highly exothermic. Reaction हमारी highly exothermic है. पूछा what could solid A and B, B है आपका, what are the products C and D, right chemical reaction between A and B leading to formation means बनाते हुए क्या, C and D leading
सी एंड डी। मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दिस इक्वेशन and indicate heat change ही बतानी क्या क्या होगी। उसके बाद डी पार्ट है आपका बेटा, what is the special name of such reaction, इंडक्शन का स्पेशल नाम बताओ, ई पार्ट। Name the two type of chemical reaction under which, name the two type of chemical reaction under which under which the above reaction can be qualified, the above reaction can be classified can be classified। अब उसके बाद हम बोलते हैं क्या होगा जी। हाँ आप समझिए इस क्वेश्चन को फिर दोबारा। इन्होंने कहा नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द ग्रेनुल्स ऑफ रस्टी ब्राउन सॉलिड ए इज मिक्स विद द पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड बी। उन्होंने कहा एक रस्टी मटेरियल हमारा जो सॉलिड ए है और एक हमारा पाउडर है दूसरे सॉलिड का बी का, जिनको साथ मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। हाउएवर जबकि व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, जब भी मिक्सचर को हीट करते हैं रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट के बीच में वन ऑफ द प्रोडक्ट सी इज मेटल एंड सेटल डाउन इन द मोल्टन स्टेट व्हाइल द अदर प्रोडक्ट डी फ्लोट्स ओवर इट। इट वाज ऑब्जर्व दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक और व्हाट वुड बी द व्हाट कुड सॉलिड ए एंड बी व्हाट आर द प्रोडक्ट सी एंड डी, राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। मोल्टन फिजिकल स्टेट फॉर मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन दिस इक्वेशन एंड इंडिकेट हीट चेंज स्पेशल रिएक्शन ऑफ स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन नेम द टू टाइप ऑफ रिएक्शन अंडर विच द अबव रिएक्शन कैन क्लासिफाई। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे समझ लीजिएगा। देखो भाई अगर हम बात करते हैं इसमें आपका सबसे पहली बात नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, यहीं से आ जाते हैं। चलो नीचे से देखते हैं। उन्होंने पहले कहा व्हाट कुड बी सॉलिड ए एंड बी, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सॉलिड ए, ए इज इक्वल टू एफ ई टू ओ थ्री यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये होगा हमारा। उसके बाद उन्होंने पूछा बी, बी क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम है क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब उन्होंने व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, पहले हम सी को बताते राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो देखो पहले सी में हम क्या करेंगे, जब हम एफ ई टू ओ थ्री और एल्यूमिनियम को लेंगे
तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3 और प्लस ये आपका एक्वा मतलब मोल्टन स्टेट में होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में ऊपर तैरता रहेगा, और प्लस क्या बनेगा हमारा 2Fe सॉलिड, ये सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद ये भी हमारा क्या था, ये भी सॉलिड था, ये भी हमारा सॉलिड था, इनका मैं स्टेट बता दी, फिर रिएक्शन हो गई। अब उन्होंने पूछा व्हाट आर द प्रोडक्ट सी एंड डी, अब हम इसका बी पार्ट लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सी है, डी क्या हमारा आयरन, आयरन हमारा डी है। उसके बाद क्या हुआ जी, तो क्या हुआ आंसर आपका, आंसर हुआ ए Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड, बी हुआ हमारा एल्यूमिनियम पाउडर, सी हुआ हमारा Fe2O3 प्लस Al मिलकर Al2O3 प्लस 2Fe बनाएंगे, और बी हुआ हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और डी हुआ हमारा आयरन, आयरन मेटल डिस्प्लेस होती है। उसके बाद उन्होंने पूछा स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का स्पेशल नाम क्या है जी, देखिएगा डी पार्ट, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, क्या कहते हैं थर्माइट रिएक्शन, इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जी इसमें क्या होगा हमारा, यहां हम हीट चेंज का निशान लगा देंगे, लिख देंगे प्लस हीट, उन्होंने पूछा ना हीट के बारे में बताओ, इंडिकेट हीट, तो उसमें क्या होता हमारा हीट बाहर निकलती है, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। एंड यूज काय में यूज की जाती है, यूज इन वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने का काम आती है। डी के बाद उन्होंने पूछा ई के बारे में, नेम द टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अंडर विच द अबव रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, तो क्या होगी इसमें आपका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला बात, और दूसरी बात क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका मतलब क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आप कहीं कैसे, अगर हम यहां देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 था, इसका यहां पर क्या था 0, यहां पर इसका प्लस 3 हुआ और इसका क्या हुआ 0, तो एक बार क्या हो रहा आयरन का प्लस 3 से 0 हो रहा है, एल्यूमिनियम का 0 से प्लस 3 हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन पर घटते या बढ़ते के रिएक्शन में तो क्या कराती है हमारी, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि कोई हमारा रस्टी मटेरियल है, उन्होंने पहले बता दिया ग्रैनुलर छोटे टुकड़े हमारे जंग लगे आयरन के, उनको हमने एल्यूमिनियम के साथ मिलाया तो नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब हम उनको हीट कराएंगे तो हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉरी एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड मिलकर के क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनाएंगे। तो ये रिएक्शन जो हमारी रेलवे ट्रैक होते हैं उनकी पटरियों को जोड़ने काम आती है। उन्होंने पूछा ए पार्ट व्हाट कुड बी सॉलिड ए एंड बी, तो आप बताओगे सॉलिड ए इज आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड है, इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, और फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं। बी क्या हमारा एल्यूमिनियम पाउडर है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि सी ओ डी बताओ, सी ओ डी बताएंगे हमारी रिएक्शन हो जाएगी, तो हमने क्या करा सी ओ डी के बीच में रिएक्शन करा, ए बी के बीच में रिएक्शन कराई, तो ये बना हमारा ए ये है बी ये है, यानी ये कंपाउंड हमारा ए, मैं यहां भी लिख देता हूं, ये कंपाउंड हमारा बी, ये कंपाउंड हमारा सी, और ये कंपाउंड क्या हुआ हमारा डी, ठीक है। तो हमने बता दिया जिसमें क्या क्या कंपाउंड हमारे होंगे, उन्होंने बताया ना कि एक हमारा फ्लोट करता है दूसरा बैठ जाता है नीचे,
तो डी नीचे बैठ जाएगा, आयरन ऊपर फ्लोट करेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा था स्पेशल नेम ऑफ सचुएशन, हीट चेंज बतानी थी आपको इसमें, तो मैंने सबके इंडिकेशन बताया, हीट चेंज बता दी, हीट चेंज कैसा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका इसके अंदर कौन कौन से नेम था, टू टाइप ऑफ केमिकल एक्शन अंडर विच द अबव एक्शन कैन बी क्लासिफाइड। तो देखो इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। साथ साथ यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है, तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, उन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ रिडॉक्स ऑक्सीजन रिडक्शन भी होगा और ये आपका अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन कंपाउंड्स को हम कर लेंगे, ये हमारी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसी टाइप का, आपको क्वेश्चन आता, तो देखो इसी क्वेश्चन में कितनी बात आ गई, आपका रस्टिंग के बारे में बात आ गई, जब जिसको रस्टिंग पता होगा वही कर सकता है, आपको थर्माइट रिएक्शन के बारे में पता चल गई, आपको ऑक्सीजन रिडक्शन के बारे में पता चलेगी, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो ये सब इसके टाइप होते हैं और इस तरह से हम रिएक्शन को कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको जितना जितना कराया जा रहा है आप उतना उतना काम करते रहिएगा और अच्छी तरीके से इस वीडियो को वॉच करिएगा। और आपकी मैंने फ्राइडे में क्लास लिखी थी, मैंने मैसेज भी डाला था, आप लोग कॉपी चेक कराना आइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है या क्या आपको प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको रेक्टिफाइड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।